हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू के क्रिस्पी बरोले बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन बरोलों को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नौ आलू हमने ले लिए हैं और आलू को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक कप बेसन ले लिया है, इसमें आधी कटोरी चावल का आटा डाल दिए हैं। आप फ्लोर भी डाल सकते हैं। इसमें एक चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल दिए, एक चम्मच हमने हल्दी डाल दिया, आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी डाल दिया, आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिया। हमने भुना हुआ जीरा का पाउडर बना लिया था और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। सारी चीजों को हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिला लेंगे। थोड़ा पानी और मिला लेंगे। इसको इसी प्रकार से फेंट लेना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार से होनी। सारी आलू हम इसी मसाले में मिला लेंगे। को हमें इस बैटर में मिला करके हमको 15 मिनट तक के लिए रख देना है। जब ये 15 मिनट में फूल जाएगा तब इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। अब देखिए बैटर मेरा सेट हो गया है। अब हम इसको तलने के लिए चलते हैं। तो हमने तेल रख दिया था, तेल मेरा गर्म हो गया है, अब हम इसको तलने चल रहे हैं। तेल करने के लिए हमने थोड़ा सा डाला, तेल मेरा गर्म हो गया है। इसको हम धीरे धीरे करके चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी बार भी तल लेंगे। देखिए इसको इसी तरीके से अच्छे से चला करके गोल्डन ब्राउन हमको कर लेना है। बरोले को हमने तल लिया है, अब इसको हम निकाल देते हैं। अब इसे हम चम्मच से प्रेस कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम सारे बरोले बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पे चाट मसाला डाल दे रहे हैं और इसे हम हरी धनिया की चटनी से गार्निश कर दे रहे हैं।
हमारे घर पर बने बरूले तैयार हैं। आप इसको बनाइए, खाइए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।